तो आज हम आए हैं कहाँ, फिरोशा कोटला पे। फिरोशा कोटला फोर्ट दोस्तों हम आए हैं और काफ़ी सुना है इसके बारे में, फिरोशा कोटला फोर्ट के बारे में कई कह सकते हैं रूमर्स भी हैं, कुछ पता नहीं क्या फैक्ट है क्या है, तो कोशिश करते हैं इसको जानने की और आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। फिरोशा कोटला फोर्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकट लेने के दो तरीके हैं। एक तो कैश होता है जो 25 रुपीज़ की एडल्ट की टिकट है, और अगर आप स्कैन करके QR कोड से अगर पेमेंट करते हो भीम से या UPI से तो 20 रुपीज़ का आपको पर पर्सन का चार्ज देना पड़ता है। हम अब किले के अंदर आ चुके हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं समझ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर टूटा फूटा है, रूम्स बन चुके हैं इसके अलावा, बिकॉज हम अभी पढ़ रहे थे इसके ऊपर कि इसको इससे चीज़ें चुरा कर उठा कर शाहजहाँबाद को बसाया गया था, तो ये ऑलमोस्ट तोड़ा जा चुका है, मतलब यहाँ से लेकर गए थे कुछ चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को यहाँ से ले गए थे मटेरियल वगैरह को, बिकॉज इन पत्थरों को ढूंढ के लाना बाहर से, क्योंकि ये यहाँ पे तो है नहीं, तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए, तो इन्होंने यहीं से उठा के शाहजहाँबाद को बसाया गया होगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठंडे हैं फिर भी कम भीड़ है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं ढूंढते हैं। हाँ, और जो हम एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में जो ये लाइट दिख रही है फिरोशा कोटला ग्राउंड की लाइट्स हैं सर। हाँ वही लग रहा है, क्रिकेट मरीज होती है मेरे ख्याल से। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे, लगता नहीं यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं, यहाँ कुछ और लड़के लड़के कॉलेज के आते हैं अपने टाइम व्यतीत करने के लिए एकांत के अंदर, बंक करके टाइम पास करने के लिए। वो भी आसपास के लोग आते हैं, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ बट मैं कभी इधर तक आया ही नहीं यार। उसके लिए गर्लफ्रेंड चाहिए होती है ना। इट्स नॉट अबाउट गर्लफ्रेंड यार। और दूसरी बात, और मैं शुरू से ही घुमक्कड़ रहा हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी बहुत पहले ही, लेकिन फिरोशा कोटला फोर्ट में मैं आया ही नहीं यार। दूसरा ये है कि बजरंग दल वालों का खतरा भी नहीं है, दैट माइट बी केस। हाँ, ये जिनों के लिए काफ़ी मैंने सुना है यहाँ पे कि यहाँ पे 15 पर मतलब अपनी मन्नत मांगते हैं, विशेज मांगते हैं, क्या है वो, मतलब वो फैक्ट है क्या है समझ। अब जितना हमने एक्सप्लोर किया, पता किया इंटरनेट के थ्रू, हमें पता चला कि यहाँ 15th century के अंदर जिन वगैरह विशेज ग्रांट किया करते थे, तो यहाँ पे लोग आते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, कोई दीवार विवार है जिस पर सिक्का चिपकाते हैं, अगर वो सिक्का चिपक जाता है तो जिन्होंने आपकी जो विश है वो विश पूरी होगी, तो वो सिक्का दीवार से गिर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा काम भी चल रहा है, मजदूर लोग वगैरह काम भी कर रहे हैं, बट ये मुझे तो लग रहा है पूरा टूट ही गया यार ये, क्योंकि इतना थोड़ी होगा ये हॉरिजेंटली है बट और ज़्यादा मुझे लग रहा है टूट गया है, काफ़ी टूटा हुआ है इसको, मतलब ये रिपेयर भी है, रिपेयर बहुत रिपेयर किया हुआ है कई जगह से। हाँ, इससे बेटर तो मुझे लगता है पुराना किला बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब बिल्ड हो रखा है अभी तक और मेंटेन भी है थोड़ा। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देते। हमने काफ़ी कपल देखे आशिकी में लिप्त, उनकी पर्सनल लाइफ, हम कुछ नहीं कह रहे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये जगह थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कपल्स को दे देगी कि आप यहाँ पर वीकेंड पर आ सकते हो। दैट्स फाइन, उसकी कोई इशू नहीं है, पर इशू पता कहाँ है, ये जो हमारी हिस्ट्री है जब ये हम ही लोग बर्बाद करेंगे तब कद लगती है। ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ है आप यहाँ देखिए, ये इन्होंने एक दूसरे का नाम इस तरह लिखे जैसे इनके बाप दादाओं ने इन किले को बनाया हो, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो चौक से लिखे हैं, इससे भी लिखी हो लेकिन इससे डैमेज होता है किला, मतलब कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो डैमेज होती है। ये तो चौक से लिखे हैं, कुछ लोग चाबी से लिख के चले जाते हैं, मतलब ये चीज़ें समझ से बाहर है, मेरा समझ से बाहर है।
कईयों को स्पेलिंग भी ढंग से लिखनी नहीं आती, वो भी लिखी नंबर, नंबर भी लिख कर गए हैं, कोई नंबर लिख के गए हैं कि अगर तुझे लेखो लिखा ना सिमरन, पता नहीं क्या क्या लिखा आगे, वो आई लव अकस समा सोन पक्स अकस आई डोंट नो, मुझे लगता है ये यार ये अनएजुकेटेड क्लास होती है बस वही ये सब काम करती है, होना कि नहीं क्या जरूरत है, जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं वो सब अगर ये काम कर रहे हैं ना, हाँ कोई चिप्स का पैकेट धके गया हुआ यहाँ पे, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे तो मतलब यंगस्टर चल रहा भैया। अच्छा क्या कर रहे हैं वैसे यहाँ पे, ये फर्श बिछा रहे हैं, अच्छा अच्छा दोबारा बनाएंगे इसको, अच्छा 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 ठीक है ठीक, कब से चल रहा है काम, कब से चल रहा है, माल इकट्ठा हो रहा है ना, अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप बरेली से आए हो, बरेली से यहाँ काम करने आए हो, अच्छा आप सभी तीनों बरेली से आए हो, ठीक है ठीक, हाँ फेमस जगह बरेली, अच्छा जी हमारे काज निकल कर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ठेका मिला हुआ है आपको यहाँ पर, अच्छा आते जो पब्लिक है उनके पास, हाँ वही पब्लिक जो आती है, कब से आ रही है पब्लिक, मतलब ये तो बहुत टाइम हो गया, फिर भी मैं बस इतना ही बता सकता हूँ बहुत टाइम हो गया, अच्छा अच्छा आप जब से देख रहे हो तब से तो आ ही रहे हैं, अपने बचपन से देख रहे हैं, अच्छा आप यहीं आसपास, जी मैं पानी की खिदमत करता हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ नहीं मैं पूरे ईमान देगा पूरे जो किला है फिरोज शाह का कि हर जगह पे ये मतलब है, ऐसे थोड़ा घूमने आते हैं देखा काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ घूमने आते हैं बहुत से, अपने काम से आते हैं इनके, अच्छा बहुत से घूमने आते हैं, मन्नत उन्नत पूरी होती हैं वो भी, अब ये जाए ना आपके सामने, हाँ हाँ यहाँ आए हैं लोग फिर अगरबत्ती करने, आप भी आके देख लो, देखो जाके, नहीं वो देख ही रहे हैं काफ़ी जगह देखा हमने, आप आस पास ही रहते हो, आप आस पास ही रहते हो, हाँ ये तुर्कमान गेट, अच्छा तुर्कमान गेट, राइट में देखिए ना, राइट में टॉर्च इसका फ्लैश ऑन करे, ये तो ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, कोई है ना तो पता नहीं, कोई था उधर यार अंदर, अब
जगह जगह मैं ये देख पा रहा हूँ कि मतलब सब जगह पर ही अगरबत्तियाँ, दिए, फूल, लेटर, अगरबत्ती सब चीजें, और कुछ लोगों को मैंने देखा भी पीछे कि वो पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। पता नहीं कोई लोग थे या, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं हुआ था, हम थोड़ा घबरा भी गए। हम वैसे पर बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर, वो दिखा ही नहीं, कोई टोपी में था, वो यूं कर रहा था, मुझे लगता बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे, वो नजर नहीं आया, सिर्फ उसकी वो जो कैप होती है, सिर्फ स्कल कैप बोल गई थी। हाँ, वो आई एम नॉट श्योर कि कोई था या नहीं था। हम तो उधर से आ गए दो रीजन की वजह से, एक हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, दूसरा पता नहीं वो क्या था, ये दोनों रीजन से हम बाहर आ गए। दिखा नहीं ना वो अंदर एकदम अंधेरे में क्या था, क्या थोड़ा सा स्कैरी था, ऐसी बात है, हम डरते नहीं है बट थोड़ा सा लगा हमें, थोड़ा सा है कभी कभी यार। जिन एक तरीके की हवा है, मतलब यू नो एयर है, वो ऐसा नहीं है कि बिना किसी के इंसान के शरीर में आए बिना ही आ जाए वो, मुझे इस बार पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी। मुझे इस बार में ज़्यादा कोई कंफर्मेशन है नहीं, बिकॉज मेरी जिनों में पीएचडी है नहीं, तो हम ये सुनी सुनाई बातों पर हम बात यकीन करते हैं, बातें करते हैं यकीन के अगर बातें करते हैं उन पर। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी अभी लास्ट, तो मैंने यही चीज़ देखी थी उसके अंदर कि वो किसी इंसान के अंदर एक जगह लेते हैं, उसके बाद ही वो आपके परेशान कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक हवा है बस। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, एंड ही थॉट टोल्ड मी अबाउट इट दैट कि ये तो ये जो जिन वगैरह होते हैं आपके, ये अलग तरीके कोई जीव होते हैं। अच्छा, लाइक कोई अदर डायमेंशन से आते हैं, ऐसे जीव होते हैं ये, एंड वो कई तरीके कई में हो सकते हैं, वो हवा के रूप में हो सकते हैं, पानी के रूप में हो सकते हैं, आग के रूप में हो सकते हैं, ये कई कई अलग अलग तरीके में हो सकते हैं, एंड उसके बारे में उसने मुझे बताया, तो देख सकते हैं। थोड़ी सी घबराहट हो रही है मेरे को। सब जगह कोई मिठाई भी डब्बा रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है अगर जिन वगैरह को इनकी अगर विश पूरी करता तो वो जिनको एक तरीके से खुशी देकर जाते हैं, मिठाई देकर जाते हैं। हाँ, अब हम इसके बाद हम इस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज हमें तो कंफर्म नहीं है कौन आया, कौन रख के गया, क्या उसकी विश पूरी हुई नहीं हुई, पहले रख के गया, वी डोंट नो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये मत करना, आप यहाँ पे आओ, आगे दीवारें रगड़ना शुरू कर दो, चिराग रगड़ते हो, सोचोगे कि जिन बाहर आएगा और बोलेगा क्या हुक्म मेरे आका, हो सकता है कि वो बाहर आए और आपको उस तरीके के जिन नहीं है, जहाँ तक हो सकता है कि वो बाहर आए और आपको पकड़ कर रगड़ दें और आपको बोले तुम्हारी माँ का साकी नाका, और हम अभी ऐसे वीडियो बना रहे हैं, पीछे से आपको कोई दिख रहा है तो हमें बता देना यार, कमेंट वमेंट बता देना, क्योंकि यहाँ क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे, पीछे देखने में थोड़ा डर भी लग रहा है अभी हमें, अजीब सा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर मतलब जितने भी स्पॉट हैं, जितने भी वो बनाते हैं रोशनदान, जितनी भी जगहें होती है इनकी, उन सब जगहों पर ही मतलब आप देख सकते हो कि अगरबत्ती, मिठाई, कार्ड, लेटर, मतलब काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो आस्था है, विश्वास है लोगों का, तो तभी तो वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। पीर की दरगाह होती है वैसा बना दिया गया। हाँ, इस तरीके से कुछ कर दिया गया है। अब क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से, तेल इतना बिखरा पड़ा है, अगरबत्ती है, रोज सफाई होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो यही कहता है कि ये लोगों का मतलब एक तरीके का अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं, और उसकी वजह से ये जो किला है, जो फोर्ट है, वो मतलब पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है, रून हो रहा है, ख़राब हो रहा है वो एक तरीके से पूरा। वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा भी है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि फिरोज शाह कोटला का जो फोर्ट है वो इस तरीके से ही ख़राब हो रहा है और लोगों की अंधविश्वास की वजह से वो डैमेज होता जा रहा है। दीवारें काली हुई पड़ी हैं काफ़ी, वो ऐसी वो जो आपकी ऑयल ग्रीस हो जाती है ना, वो तेल चिपक जाता है धुएं की वजह से, धुआं बनकर उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बावली इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ वही है ना, ये हाँ, वैली तो है ये। किले के लिए बावली या कुएं का एक आवश्यक जल स्रोत था, वही है। पढ़ सकते हैं बोर्ड के ऊपर जो लिखा है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए। ये संरक्षित स्मारक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये बंद किया हुआ चारों तरफ से। अच्छा, इसमें जाना मना है। हाँ, लोग कचरा वचरा फेंक देते हैं, लोग भी नहीं मानते, क्या करें। पाइप वाइप वगैरह बिछी हुई है, पानी we'll be right back.
तो ये पिरामिड इमारत है जिस 3 मंजिला जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। मूल रूप से स्तंभ की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अम्बाला के निकट टोपरा में की गई थी। आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इसके बारे में, इसकी ऊंचाई कितनी थी, किस तरीके से कैसे बनवाया गया था, ये सब चीज़ें। ये वो अशोक का पिल्लर है जो लाया गया था। ये जगह भी है, लोगों ने ताले बांध रखे हैं। दिस इज नॉट अ प्लेस बट मोमो ले जाबो को करा। दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू गो अप एंड डाउन, देयर इज द एंट्रेंस देयर। सो दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस to go up and down. That way. Yeah, that's the exit. So we have found another place. बहुत सारे फूल है, दिया जल रहा है। अदर प्लेस एक हाथ का छापा भी है। जिन के भी हाथ हो, हमें क्या पता, जिन के भी हाथ हो, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ऊपर जाने का रास्ता किधर है भाई साहब? इस तरफ आइए मेरे पीछे, चलिए हमारे गाइड। ये देखिए रास्ता मिला नहीं ना ऊपर का भाई, मुझे तो मिला नहीं, पूरा चक्कर काट लिया हमने भाई। भाई आपका इस अशोक पिलर के बाद, हाँ इस पे वो कौन सी लिपि होती है, भ्रम लिपि, ब्राह्मी, ब्राह्मी में लिखा है और मेरे ख्याल से इसमें लिखा है प्राकृत में लिखा है। ये मस्जिद थी, इसमें लिखा है कि सिर्फ खंडर बचे हैं मस्जिद के, ये लूट के ले आया जा चुका है इन्हें। तैमूर इस मस्जिद को देखकर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने बारिश से इसी तरह की एक मस्जिद को का निर्माण राजधानी समरकंद में करवाया। ओके नमाज तो हर दिन होती होगी, नहीं थर्सडे फ्राइडे को कहते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। हाँ जुम्मे वाले दिन आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर भीड़ भी नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है। हाँ इवन वीकेंड है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत रश हो रहा है। ये देखो यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है नमाज की। मैंने तो यार फिरोज शाह कोटला में आके ये चीज़ देख ली कि मतलब लोगों का जो विश्वास है ना वो काफी है। पर फोर्ट पर तो है नहीं कि फोर्ट था भी नहीं था, बट उनका इतना विश्वास है कि यहाँ पर जो विश मांगी जाएगी वो पूरी हो जाएगी। हाँ जिनों पे ज़्यादा विश्वास है इनका, जो मतलब जो विश पूरी कर रहे हैं जिन, वही तो हुए वो। हाँ वो उन पे ज़्यादा विश्वास है, हर कोने पे हर जगह पे कोई भी कमरा है वहाँ पे उनकी अगरबत्ती दिए फूल ये सब रखे हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ कार्ड लेटर। इसके अलावा वो हमारे पास वो नकली आशिक हैं जिन्होंने दीवारें सांड रखी है, भांड रखी है अपने और अपनी बंदी बंदों के नाम लिख के। हाँ और ये जो कपल्स हैं वो तो यार हमारे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, अब तो कमरे भी आराम से मिल जाते हैं। यू मीन ओयो होटल्स? हाँ स्पॉन्सर, अगर आप चाहते हैं हम स्पॉन्सर करें तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ई मेल अस। और वहाँ पर भी देखा रिपेयर वगैरह काम चल रहा है, वो लोग कुछ जगह थी उनको रीबिल्ड कर रहे हैं। हाँ जैसे ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। बाकी तो लव बर्ड्स हैं यहाँ पे, और कुछ कबूतर हैं और कुछ जैसे हमारे जैसे हैं बंदे जो कैमरा लेके निकल पड़े हैं। आने वाली जनरेशन को हम ये देकर जाएंगे भी, या ये खाली एक बस महज एक पारक या फिर
एक होली प्लेस बनकर ही रह जाएगा। लोगों को मुझे लग रहा है इतनी छोटी छोटी दीवारें हो गई, थोड़े टाइम बाद दीवारें भी देखने को नहीं मिलेंगी यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ले जा नहीं सकता यहाँ से बाहर। इस चीज़ का जो भी इसका जो सीन हुआ है ये बहुत पहले हो चुका है, अब ये सिर्फ रीबिल्ड किया सकता है इसको, इसमें निकाला कुछ नहीं जा सकता, इसे कुछ बचा नहीं निकालने के लिए इसमें। बाकी लवर्स पार्क तो बन ही चुका है, वो तो दिल्ली कोई भी कोने चले जाओ वो लवर्स पार्क ही। तो हमने देख लिया लोगों को यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हुए और बाकी चीज़ें करते हुए। हमने एक बाबा से बात की, उन्होंने वीडियो लेने से मना कर दिया अपनी कि वो वीडियो पे बात नहीं करेंगे, बट हमने माइक पे हमारा ऑन था तो उस पर उनकी आवाज़ आ गई। बट उन बाबा ने ये बोला कि वो बचपन से मतलब ये सब चीज़ें देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र कम से कम 50 तो ऊपर थी, 50-55 से तो पार थी, वो यानी कि ये चीज़ें 50-60 साल पुरानी हो चुकी हैं। नहीं क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें, जिसमें इंटरनेट पर थोड़ा मैंने पता चला इसके बारे में कि 15th सेंचुरी से ये सब चल रहा है, कि तब से ग्रांट हो रही है विशेज ऐसा माना जाता है। तो ये तक था आज का हमारा फिरोज शाह कोटला का टूर ब्लॉग जो भी आपको, और आप लाइक करें सब्सक्राइब करें फिरोज शाह कोटला का फोर्ट। हाँ, तो अभी के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।